मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी 29 सितंबर तक कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया परेशानी का सबब बने हुए हैं। सिंधिया को एक बार फिर सभा के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 29 सितंबर को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर कायम रहने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार अभियान में जुटे हैं। शिवराज को अपनी कुर्सी बचानी है और ज्योतिरादित्य को अपनी इज्जत, क्योंकि जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद के हैं। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक उन सभी लोगों को टिकट देने का फैसला किया है जो विधानसभा की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की टिकट पर सिंधिया समर्थक मैदान में उतर रहे हैं, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लेकिन सिंधिया के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता परेशानी भी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध कर वो राजनीति में आगे बढ़े हैं, अब उन्हीं सिंधिया के समर्थन में नारे कैसे लगाएं। और नाराज बीजेपी कार्यकर्ता का ऐसा ही नजारा अशोकनगर में दिखा। अशोकनगर में आयोजित चुनावी सभा में जैसे ही सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, हंगामा मच गया। संघ और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी सुनकर शिवराज और सिंधिया दोनों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब अपने ही विरोध करते दिखे तो शिवराज भी परेशानी में पड़ गए। मामला हाथ से निकलता देख शिवराज सिंह चौहान ने आगे आकर मंच संभाल लिया, लेकिन नारेबाजी इसके बाद भी होती रही। इस बीच सिंधिया मंच पर शांत बैठे रहे। काफी देर बाद सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी बंद हुई। सिंधिया के खिलाफ बीजेपी और संघ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। अब बीजेपी पूरे मामले को लेकर लीपापोती में जुट गई है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।